सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। पॉइंट है कि आपके बहुत बेसिक मैंने बताया पहले, वो वाला वीडियो देखिए आप लोग तो अच्छे से आपको सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले जो सवाल है उसमें आपको ये आकृतियाँ दे रखी है छह, इन आकृतियों में आपको इन तीन प्रश्न दे रखे हैं, इन तीन प्रश्नों का जवाब देना है कि ये आकृतियाँ किस प्रकार की हैं और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है, किन आकृतियों में विकर्ण अंदर बढ़ेंगे, आप विकर्ण के बारे में बताएंगे आपको, और किन आकृतियों में विकर्ण बाहर बनेंगे, और तीसरा दे रखा है उपयुक्त बहुभुजों के प्रकार बताइए, कौन सा है, उत्तल बहुभुज है या फिर अवतल बहुभुज है। तो सबसे पहले ये देख लो लास्ट वाला प्रश्न, पहले ये देख लो फिर बाद में देखें। सबसे पहले उत्तल और अवतल के बारे में बताया था मैंने, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोणा किधर होता है, अंदर, उसे क्या कहते हैं, अवतल। उत्तल बहुभुज मतलब सॉरी उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसके सभी कोने किधर हो, बाहर, सभी कोने बाहर है तो कौन सा बहुभुज कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। कौन सा बहुभुज कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। अब देखो इसमें सभी कोने बाहर किस किस के हैं, ये सभी कोने बाहर है, कौन सा बहुभुज है, उत्तल, कौन सा है, इसके भी सभी कोने बाहर है, कौन सा है, इसके भी सभी कोने बाहर है, और इसके भी सभी कोने बाहर है, कौन सा है। तो यहाँ लिखे देखो उत्तल बहुभुज तो कौन कौन सा है, उत्तल बहुभुज तो कौन सा है, उत्तल बहुभुज तीसरा चौथा पांचवा छठा, उत्तल है तीसरा, तीसरा है आपके चौथा, ठीक है, और फिर कौन सा पांचवा, और फिर कौन सा छठा, ये सब के सब कौन से बहुभुज है, उत्तल। अवतल किसे कहेंगे, जिसका एक कोना किधर हो, अंदर, अंदर किस किस का है, देखो यहाँ एक और इसके भी अंदर है, मतलब ये दोनों कौन से हैं, अवतल। बताओ अवतल बहुभुज कौन से हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। अब आगे तो ये लास्ट तीसरा प्रश्न हो गया कि उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, तो पहले बता दे तो आराम समझ आ जाएगा। अब कह रहा है कि किन आकृतियों के विकर्ण अंदर बनेंगे, कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जिनके विकर्ण अंदर बनेंगे। अब विकर्ण अंदर किस किस आकृति में, देखो विकर्ण का मतलब होता है कोणे से कोणा मिलाओ, कोणे से कोणा, देखो इसमें बनाएंगे इस कोणे को इस कोणे से, इस कोणे को इस कोणे से, इस कोणे को इस कोणे से, ठीक है ना। और अब यहाँ देखो ये कोणा हो जाएगा इस कोणे से, या तो ये तो मिल ही रहा है, देखो ये हो जाएगा इस कोणे से, ऐसे कोणे से कोणा मिलाना है, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला कोणा यहाँ, ये वाला कोणा यहाँ, अब ये वाला देखो, ये वाला कोणा यहाँ और ये वाला कोणा यहाँ, विकर्ण है ये, विकर्ण का मतलब होता है कोणे से कोणा मिलाना है, कोणे से कोणा मिलाना है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इस कोणे से इस कोणे को, 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 ठीक है ना, और मिला लो बहुत सारे, बहुत सारे सभी कोणे मिल गए, क्या ना, ये सब के सब क्या है, विकर्ण है, क्या है। अब यहाँ देखो इस कोणे को इससे, इस कोणे को इससे, और इस कोणे को मिला देंगे इससे, इस कोणे को मिला देंगे इससे, तो ये भी सबके सब क्या हो गए, विकर्ण। अब देखो इसमें चेक करो कि किन किन आकृतियों में विकर्ण अंदर बनेंगे, अंदर अंदर बताओ, इसमें देखो ये बाहर बन रहा है, एक और बाहर बन रहा है, ये तो बाहर बन रहा है ना आकृति के, ये विकर्ण है बाहर बन रहा है। यहाँ पर भी देखो ये वाला विकर्ण कहाँ बनेगा, बाहर। अब यहाँ देखो दोनों कहाँ बन रहे हैं, अंदर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बताओ अंदर कौन कौन सी आकृति के, तीसरी चौथी पांचवी और छठी आकृति के विकर्ण किधर है, अंदर। अब दूसरा देखो किन किन आकृतियों के विकर्ण बाहर है, बताओ बाहर किस किस के, ये बाहर है, पहला और दूसरा, आगे समझ गए, इजी था, कुछ सिंपल बताना था आपको, आगे ना समझे। अब ये देखो अगला वाला उत्तल अवतल पे आ गया समझ में, जिसका एक कोणा अंदर हो वो तो कहलाएगा अवतल, और जिसके सभी कोणे बाहर हो क्या कहलाएगा, उत्तल। अब देखो दूसरा, अब ये दूसरा क्या है, आपके दिए गए बहुभुज ए बी सी डी में ये चित्र दे रखा है, आपको बहुभुज दे रखा है जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। अब इसमें आपको बताना है आंतरिक कोणों के नाम, कि अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं और बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। देखो ये आकृति है, इसमें अंदर कौन कौन से बन रहे हैं, आंतरिक कोण,
सिंपल ही है, देखो अंदर आंतरिक मतलब अंदर बनने वाले कौन, ए अंदर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, सी अंदर की तरफ है, डी और ई, ए बी सी डी और ई, ये सबके सब अंदर बने कौन है, ठीक है ना। ए ये बड़ा ए, बड़ी बी, बड़ी सी और बड़ी डी और बड़ी ई, तो नाम है इसका, बहुपुज का क्या है नाम, बताओ आंतरिक कोणों के नाम लिखिए, बताओ आंतरिक कोणों के नाम कौन कौन से, ए बी सी डी और ई, ये सबके सब कौन से कोण है आंतरिक कोण। अब ये बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहा है, देखो ये यहाँ ये बाहर बन रहा है, बी ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है और ये भी बाहर बन रहा है, P Q R S T, कौन सा है, P Q R S T, ये सबके सब बाह्य कोण हो गए और ये हो गए अंदर वाले कोण, आ गया समझ में, इजी था। अब देखो तीसरे में भी इजी है, तीसरे में क्या लिखा है, सम बहुभुज किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान, कैसी हो, क्या कहलाएगा, सम बहुभुज, क्या कहलाएगा, आगे समझो परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा, सम बहुभुज, उन सम बहुभुजों के नाम बताइए, अब उनके नाम बताने कौन कौन से, देखो अगर पांच भुजाएं हैं क्या कहलाएगा, पंचभुज, क्या कहलाएगा, पंचभुज, अगर छह भुजाएं हैं तो क्या कहलाएगा, सम पंचभुज बोलेंगे, अगर समान भुजाएं हैं ना तो क्या बोलेंगे, सम पंचभुज, क्या बोलेंगे, सम पंचभुज, ठीक है, अगर भुजाएं छह हैं तो क्या बोलेंगे, सम षष्ठभुज, क्या बोलेंगे, सम षष्ठभुज, अगर भुजाएं आठ है तो क्या बोलेंगे, सम अष्टभुज, क्या बोलेंगे, सम अष्टभुज, और नौ आजादी तो सम नवमभुज, दस आजादी तो दसम नवमभुज, दस दस सम दस भुज, ठीक है ना, तो आगे सभी समझ में, तो